लेट्स मेक हैंड बिटन कॉफी। तो उसके लिए अराउंड 40 पैकेट्स 1 रुपए वाली कॉफी के एक बोल में डाल लो एंड हाफ कप से थोड़ी ज्यादा शुगर उसके अंदर ऐड कर लो एंड कुछ चम्मच पानी। आप पानी धीरे धीरे ऐड करते रहना, अगर आपको लगे बहुत ड्राई हो गया मिक्सचर, अराउंड 50 ml के आसपास पानी लगेगा, बट आप ऐड करते रहना अपने आप एंड देन आप इसे विस्क करना। मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि ये रेस्टोरेंट वाले कैसे बनाते हैं इतनी सारी हैंड बिटन कॉफी, तो मेरे को ये समझ आया पहले आप एक मिक्सर में उसे बीट करके रख लो एंड देन आप फाइनलाइज कर सकते हो एक विस्क के साथ। विस्क हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर एयर बबल हुए जिससे कॉफी फ्रॉथी बनती है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना ज्यादा विस्क कर सकते हो। आप जितना विस्क ज्यादा करोगे ना ये उतना हार्ड पीक्स आते जाएंगे। मेरे को एकदम हार्ड टेक्सचर पसंद था तो मैंने इसे अच्छे से विस्क किया एंड जब मेरे को लगा कि ठीक है ये कंसिस्टेंसी सही है तब मैंने इसे एक जार में फिल कर लिया। उसको आप अराउंड 1 मंथ बिना किसी प्रॉब्लम के रख सकते हो। एक चीज याद रखना, एक तो फ्रिज में रखना एंड दूसरा इसका कलर अराउंड 7 डेज के बाद डार्क हो जाता है, तो एक फोक लेना एंड वापस उसी जार में उसे विस्क कर लेना, आपकी कॉफी वापस ब्रांड नहीं हो जाएगी। एंड ये बहुत अमेजिंग था, आई लव दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।